वेलकम टू इंडियन ऑटो इंडक्टर्स। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो डीपीएफ क्या चीज़ होता है, राइट, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और थोड़ा बहुत डिस्कशन करने वाले हैं कि रीजनरेशन कैसे करना है। तो रीजनरेशन करने के लिए मे भी क्या क्या टाइप का रीजनरेशन हो सकता है और क्या चीज़ है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये नॉर्मली बेसिकली डीजल गाड़ी में ही आपको डीपीएफ मिलने वाला है, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, राइट। तो डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर ये है जो कि डीजल फ्यूल में, जो जब डीजल फ्यूल बर्न होता है उस केसेस में डीजल का कुछ मॉलिक्यूल्स बर्न नहीं हो पाता है, उस चीज़ को पार्टिकुलेट मैटर्स बोलते हैं। डीजल का अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, उस चीज़ को हम लोग बाहर एटमोसफेयर में ना छोड़ के उसके लिए एक एग्जस्ट लाइन में फिल्टर लगा हुआ रहता है, और उस फिल्टर के थ्रू से, मतलब फिल्टरिंग हो, क्लीन गैस बाहर निकलता है। तो वहाँ पे जो कार्बन डिपॉजिट हो जाता है और पार्टिकुलेट मैटर या तो पार्टिकल जो होता है डीजल फ्यूल का, वो वहाँ पे डिपॉजिट होता है, तो वो फिल्टर चोक होने के लिए चांसेस होता है। तो उसे कैसे क्लीन करना है, या तो उसके रीजनरेशन करके वहाँ पे जो कार्बन होता है उसे कैसे बर्न करना है, उसके बारे में आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो नॉर्मली इसे अगर हमें आजकल के जितने भी BS6 व्हीकल है वहाँ पे अगर देखेंगे तो रीजनरेशन सिस्टम जो होता है, जब डीपीएफ के अंदर जब कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, जो उसका परसेंटेज होता है, उस परसेंटेज से ज़्यादा अगर डिपॉजिट हो जाएगा तो गाड़ी पिकअप लेना बंद हो जाएगा, गाड़ी रेस्पेंड नहीं करने वाला है, राइट। और कुछ MIL और कुछ लाइट्स आ जाएगा क्लस्टर में, डीपीएफ रिलेटेड लाइट्स आ जाएगा, राइट। तो वो सारे चीज़ आगे डिस्कशन करने वाले। तो नॉर्मली ये डीजल गाड़ी में ही प्रॉब्लम होता है जिस गाड़ी में डीपीएफ लगा हुआ है। तो डीपीएफ एक्चुअली यहाँ पे पोल्यूशन के लिए लगा हुआ है, कि जो कि फिल्टरिंग करके जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स एंड नर्म्स को अचीवमेंट करने के लिए डीपीएफ लगा हुआ है। ओके, तो डीपीएफ जो है डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर, ये बेसिकली अनबर्न जो कार्बन डीजल फ्यूल का जो पार्टिकल्स होते हैं उस चीज़ को ये फिल्टरिंग कर रहा है और वहाँ पे स्टोर कर रहा है। लेकिन अगर वहाँ पर ज़्यादा देर तक स्टोर करेंगे तो वो फिल्टर चोक होने के लिए चांसेस है, तो उसे बीच बीच में क्लीन होना चाहिए। तो ये क्लीन करने के लिए क्या क्या तरीका है उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले, राइट। तो यहाँ पे डीपीएफ जब क्लीन हो रहा है तो इसे हम तीन तरीके से किया जा सकता है। एक होता है नॉर्मली ड्राइव रीजेनरेशन, और एक होता है यहाँ पे पार्क रीजेनरेशन, और एक होता है सर्विस रीजेनरेशन, राइट। तो नॉर्मली अगर बात करेंगे जो ड्राइव रीजेनरेशन जो होता है, गाड़ी अगर सही से रन कर रहा है और एग्जस्ट सिस्टम अगर सही से टेम्परेचर वो मेंटेन कर पा रहा है, नॉर्मली अगर देखेंगे तो 250-270 डिग्री एंड अबव अगर उसका टेम्परेचर अगर आ जाएगा ड्राइविंग के टाइम कंस्टेंटली 60 स्पीड 70 स्पीड में, अगर बहुत बहुत कंस्टेंटली लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे ड्राइविंग रीजनरेशन जो है, ड्राइव रीजनरेशन जो होता है ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट गाड़ी के अंदर जो ECM है, ECM के थ्रू से ही ऑटोमेटिकली ये रीजनरेशन होने वाला है। इसे हमें कुछ करने के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिन्होंने अगर लोकल में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, राइट, तो नॉर्मली लोकल में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मतलब 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाकर ब्रेकिंग कर रहे हैं, या तो हम बिलो 50 किलोमीटर रेंज के अंदर लोकली ड्राइविंग कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे ड्राइव रीजेनरेशन होने के लिए चांसेस नहीं है। इस केसेस में डीपीएफ चोक होने के लिए ज़्यादा चांसेस हमें मिलता है, राइट। तो ड्राइव रीजेनरेशन किस कंडीशन में होता है, व्हेन द व्हीकल इज ड्राइविंग एट स्पीड ग्रेटर देन 60 किलोमीटर पर आवर। अगर जब गाड़ी 60 किलोमीटर के अबव स्पीड अगर चल रही है, कंस्टेंटली चल रही है, 20-30 मिनट अगर कंस्टेंटली चलने वाली है, उस केसेस में ड्राइव रीजेनरेशन हो सकता है। तो ये ड्राइव रीजेनरेशन करने के लिए कौन ये काम करता है, नॉर्मली ECM ही ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट काम करने वाले है, कि जब ECM को पता चला कि वहाँ पे सेंसर्स लगे हुए रहते हैं डीपीएफ के ऊपर, राइट, डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर्स लगे हुए रहते हैं, आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे डीपीएफ जो है डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर्स ECM के पास सिग्नल देता रहता है कि अभी डीपीएफ का कंडीशन क्या है, राइट। तो उसके हिसाब से रीजनरेशन करना है या नहीं करना है, राइट। तो ECM ऑटोमेटिकली रीजनरेशन करना है करता है। तो रीजनरेशन करने का कैसे करता है, वहाँ पे जो फिल्टर हो के फिल्टर के अंदर जो कार्बन पार्टिकल्स या तो अनबर्न फ्यूल पार्टिकल्स या तो डीजल पार्टिकल्स वहाँ पे डिपॉजिट होता है, उसे बर्न करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे रीजनरेशन बोलते हैं। तो रीजनरेशन जो होता है, ड्राइव रीजनरेशन जो है, जब गाड़ी चलता ही रहेगा, आप लॉन्ग ड्राइव में ड्राइव कर रहे हैं, हाई स्पीड ड्राइव कर रहे हैं, उस केसेस में अबव 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड रेट ड्राइव कंस्टेंटली कर रहे हैं, उस केसेस में जो भी कार्बन पार्टिकल्स है वो ECM के हिसाब से जो टर्म एंड कंडीशन अचीवमेंट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली डीपीएफ यूनिट गर्म हो जाएगा और वहाँ पे फ्यूल बर्न हो जाएगा, राइट। उस केसेस में क्या होता है, डीपीएफ के अंदर उसे क्लीन करने के लिए पोस्टिंग, नॉर्मली अगर डीजल गाड़ी में देखेंगे तो इंजेक्शन सिस्टम होता है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है, प्री इंजेक्शन, मेन इंजेक्शन और पोस्ट इंजेक्शन, ये तीन चीज़ में होता है किसी किसी गाड़ी में, और भी फाइव इंजेक्शन भी वहाँ पे प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है, लेकिन तीन इंजेक्शन रहते हैं। और ये जो मेनली होता है अगर डीपीएफ रीजनरेशन करना है वो ECM को पता चला, तो उस केसेस में पोस्ट इंजेक्शन के ऊपर ही ECM ध्यान देता है। और पोस्ट इंजेक्शन में क्या होगा, फ्यूल 100% बर्न नहीं होगा, लेकिन
डीजल फ्यूल जो है अर्बन फ्यूल जाके कहाँ कहाँ जाने वाला है, जो कि डीपीएफ के पास चला जाएगा। डीपीएफ गर्म रहेगा, वहाँ पे फिर बर्निंग होगा। तो जब बर्निंग हो रहा है तो डीपीएफ के अंदर जो भी अनबर्न कार्बन रहेगा वो सारे चीज़ वहाँ पे बर्न होके निकल जाएगा। तो ये ड्राइव रीजनरेशन में ये काम करता है, राइट। तो ड्राइव रीजनरेशन जो है हमें कुछ भी पता नहीं है, जिसका गाड़ी सही रनिंग है, लॉन्ग रन कर रहा है, हाईवे में स्पीड रन कर रहा है, उस केसेस में ड्राइव रीजनरेशन होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगर 60 किलोमीटर के अबव अगर हम लोग 20-30 मिनट तक अगर ड्राइव कर रहे हैं, उस केसेस में ड्राइव रीजनरेशन होने वाला है। तो आजकल जो प्रॉब्लम हो रहा है, जब लोकल ड्राइव कर रहे हैं, अबव 60 किलोमीटर अगर हम लोग ड्राइव नहीं कर रहे हैं, राइट, लॉन्ग रन नहीं हो रहा है, स्पीड ड्राइविंग नहीं हो रहा है, उस केसेस में ये चांसेस होता है ड्राइव रीजनरेशन होने के लिए चांसेस नहीं है। और उस केसेस में जब हमें पता चलता है कि क्लस्टर मीटर में लाइट आ गया और हमें पता चलता है गाड़ी पिकअप नहीं ले रहा है, उस केसेस में सर्विस रीजनरेशन के लिए जरूरी है। तो सर्विस रीजनरेशन क्या चीज़ होता है आगे डिस्कशन करने वाले हैं।